गंदम की किल्लत पर रिपोर्ट पर सेनेट में बहस के दौरान ऐवान मछली मंडी बना रहा। अपोजिशन ने एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। ऐवान की तोहीन हुई है। करें ना जी आप तकरीर, मैं क्या कर सकता हूँ। खोले माइक जी मुशायद साहब का भी, सब का माइक खोल जी मुशायद, करें मैं तकरीर कर। खुला हुआ है, आप करें। मैं कर रहा हूँ, आगे नहीं बोलने देंगे। सर बात ये रही, जी तशरीफ रखे मोहसिन साहब, उन्होंने अपने अल्फाज वापस ले लिए। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में एहतजाज करते हुए शोर शराबा किया और ऐवान में आटा चोर और चीनी चोर के नारे लगा दिए। सेनेटर फैसल जावेद मुशाहिदुल्ला की सीट पर आ गए। अरे हमसे इकट्ठे होके मांगेंगे, चीनी चोरी पे माफी मांगेंगे जी, मुशाहिद साहब पे माफी मांगेंगे। मुशाहिदुल्ला खान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्ला ने फैसल जावेद को लारवा करार दे दिया। वजीर आजम होगा सिलेक्टेड, हमारा वजीर आजम नहीं है, तुम्हारा होगा। मुशाहिदुल्ला खान साहब प्लीज ये बकवास लफ्ज एक्सपंज कर दें जी। इस लार्वे से मैं माफी मांगूंगा, प्लीज। ये अभी पैदा नहीं हुआ है, लार्वा है। सिक्योरिटी अहलकार हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान खड़े हो गए। अपोजिशन ने एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। ना महंगाई कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ना एफआईए की रिपोर्ट छाया कर रहे हैं। सारी दुनिया को पता लग गया है कि कौन चीनी चोर है, कौन आटा चोर है, किसने दवाइयाँ 400% महंगी की है। क्या जरूरत है लीडर ऑफ द हाउस की, वो खड़े होकर कहते हैं और चोरों को भी पकड़ो, इसका मतलब ये चोर आपका है। आसान सी बात है, अगर सरकारी बेंच से मिनिस्टर साहब सुने मेरी गुफ्तगू, अगर सरकारी बेंच से इशारे करके करके ऐवान का माहौल खराब कर दिया जाएगा तो ये ऐवान नहीं चलेगा।